जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में रात 2 बजे के करीब 2 धमाके हुए। दोनों धमाके कम तीव्रता के थे। जम्मू में धमाके के पीछे ड्रोन साजिश का खुलासा। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक धमाके में ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही ड्रोन उड़ाने का शक। एयरफोर्स ने ट्वीट कर बताया कि धमाके में इमारत की छत को हल्का नुकसान हुआ। दूसरा धमाका खुली जगह पर हुआ। एयरपोर्ट सील कर जांच शुरू की गई। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की जांच के लिए स्पेशल फोर्सेस की टीम पहुंची है। इससे पहले एनआईए की टीम भी जांच के लिए पहुंची थी। जम्मू धमाके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से भी बात की। जम्मू में देर रात एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। जम्मू में लश्कर की बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू पुलिस को 5 से 6 किलो की आईईडी मिली। इस आईईडी को भीड़भाड़ वाली जगह में रखने की साजिश थी। संदिग्ध से पूछताछ जारी। जम्मू में ही 5 किलो आईईडी के साथ एक आतंकी को पकड़ा गया। गिरफ्तार आतंकी का नाम नदीम है। इसे त्रिकुटा नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले वेब मॉल के पास से पकड़ा गया है। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड फेंका। सीआरपीएफ जवानों को कोई नुकसान नहीं। 2 नागरिक घायल, 1 की मौत। 3 दिन के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जवानों से मुलाकात की। एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम में वैक्सीन पर बोले प्रधानमंत्री। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित, नहीं लगवाना खतरनाक। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की अफवाहों पर ध्यान ना दें। मन की बात में मोदी ने कहा हर रोज लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन लगाई जा रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन। मन की बात में मोदी ने कोरोना काल में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स का धन्यवाद किया। मोदी ने कहा कोरोना से लड़ाई जारी है। मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी का तंज। ट्वीट कर कहा बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल के मोदी पर वैक्सीन वाले वार पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार। शाहनवाज ने कहा राहुल और विपक्षी पार्टियां वैक्सीन को लेकर देश की जनता को भ्रमित कर रही हैं। राहुल गांधी के वैक्सीन पर दिए बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश में सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रहे हैं, जबकि राहुल भ्रम फैला रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,040 नए मरीज सामने आए। 1,258 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,86,403 हुई। कोरोना से ठीक होने की दर 96.75% पहुंची। देश में अब तक 32,17,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 64,25,893 वैक्सीन डोज दी गई है, जिसमें पहली और दूसरी डोज शामिल है। दिल्ली में इस साल के सबसे कम कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 85 संक्रमितों की पुष्टि हुई। 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कल से शुरू होगा अनलॉक 5। जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। राजस्थान में अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। क्लब में आउटडोर खेलों को अनुमति दी गई। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। आईसीएमआर की ताजा स्टडी में राहत की खबर। रिसर्च के मुताबिक देश में अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जितनी खतरनाक और गंभीर नहीं होगी। झारखंड के दुमका में पल्स पोलियो अभियान के तहत टूटे कोरोना नियम। बच्चों को ड्रॉप पिलाते वक्त कर्मचारियों ने न तो मास्क पहना न ही ग्लव्स पहने। पीएम मोदी ने टीकाकरण की गति पर संतुष्टि जताई। दिसंबर तक पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य दिया। सूत्रों के मुताबिक अफसरों ने कहा दिसंबर के पहले ही पूरा हो जाएगा लक्ष्य।
समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने कहा 6 दिनों में 3,77,00,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जो सऊदी अरब, मलेशिया, कनाडा की आबादी से भी ज्यादा है। कहा कोरोना टेस्टिंग भी कम नहीं होनी चाहिए। देश में 12 से 18 साल के लोगों के लिए भी जल्द उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों का टीकाकरण हो जाएगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। मध्य प्रदेश में फिर बिना टीकाकरण का एक रिकॉर्ड बना है। शनिवार को शाम 7:30 बजे तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत के बाद वीकेंड कर्फ्यू खत्म किया गया, लेकिन राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एमपी में बैतूल के रोढ़ा गांव में दूल्हे ने मिसाल पेश की, शादी से पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर बारात रोकी, पहले लगवाई वैक्सीन फिर रचाई शादी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर बोले, डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखें। हरियाणा के फरीदाबाद के लिए खतरे की घंटी, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दी दस्तक। आईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में मिला डेल्टा प्लस का पहला मरीज, मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू। पंजाब के लुधियाना में भी सामने आया डेल्टा प्लस का पहला मामला, केस पखोवाल ब्लॉक के गांव का है। प्रशासन ने पीड़ित व्यक्ति और परिवार समेत पूरे गांव के लोगों के सैंपल लिए। केरल के तिरुवनंतपुरम वीकेंड का कर्फ्यू का असर देखने को मिला है, जरूरी सुविधाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में शामिल 3 अस्पतालों ने दावे को गलत बताया। अरुण आसफ अली अस्पताल ने रिपोर्ट नाम आने पर हैरानी जताई है, रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, कहा कि नॉन कोविड हॉस्पिटल है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। दिल्ली में ऑक्सीजन विवाद पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, बोले बेवजह का विवाद पैदा किया गया, अभी फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना, कहा केजरीवाल सरकार के जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन लेने से दूसरे राज्यों में असर पड़ा है, रोगियों की मौत हुई, केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। यूपी चुनाव में ओवैसी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओवैसी बोले ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे के साथ, किसी और पार्टी से कोई बात नहीं। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगी मायावती, ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की बात को नकारा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों के नामांकन में बवाल, 17 जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय, 11 जिलों में नामांकन नहीं कर पाए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, 3 जिलों में समाजवादी पार्टी का नामांकन रद्द हुआ। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल न होने पर नाराज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर समेत 11 जिलाध्यक्षों को पद से हटाया। राज्य निर्वाचन आयोग से मिला समाजवादी पार्टी का 2 सदस्यों का दल, जिला पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल न कर पाने की शिकायत दर्ज कराई, राज्य सरकार पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, ट्विटर पर लिखा, ये हारी हुई बीजेपी का चुनाव जीतने का नया हथकंडा है, विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। यूपी में 18 सीटों पर निर्विरोध हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, बीजेपी का 25 सीटों पर निर्विरोध जीतने का दावा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सूरत पहुंचे, सिसोदिया की मौजूदगी में कई पाटीदार नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, हीरा कारोबारी महेश सवाणी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में नदिया के कृष्णा नगर में टीएमसी नेता मुकुल रॉय के कार्यक्रम में हंगामा हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में शामिल करने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति संघर्ष मोर्चा की बड़ी रैली, बाइक रैली के लिए सुमैया मैदान में सैकड़ों लोग भगवा झंडा लेकर पहुंचे। वेटनरी डॉक्टर से गाली गलौज करने पर मध्य प्रदेश से बीजेपी के विधायक अजय विश्नोई नाराज, मेनका गांधी को घटिया महिला करार दिया। बिहार में रॉबिनहुड के नाम से चर्चित रहने वाले गुप्तेश्वर पांडे बने कथावाचक, अयोध्या में कथावाचक के रूप में श्लोक सुनाते नजर आए।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सागर धनखड़ मर्डर केस में जूनियर रेसलर गौरव लोरा को गिरफ्तार किया। वारदात के वक्त स्टेडियम में ही मौजूद था गौरव। इस हत्याकांड में 10 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गाजियाबाद बुजुर्ग मारपीट मामले में आरोपी कल्लू गुर्जर का के साथ देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक कल्लू ने पुलिस पर गोली चलाई। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद। एमपी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं पर बीजेपी के महामंत्री पी मुरलीधर राव ने लगाया विराम। कहा पार्टी की प्रक्रिया के तहत शिवराज सिंह चौहान को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली है, वो बेहतर काम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बीजेपी की बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। जेपी नड्डा बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का आरजेडी पर निशाना। बोले तेजस्वी के कहने से न सरकार बनती है न ही गिरती है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर में कहा था कि 2 और 3 महीनों में सरकार गिरने वाली है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर तंज। कहा सत्ता पाने की बेचैनी में सरकार गिरने के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे हैं तेजस्वी। नीतीश सरकार 5 साल पूरा करेगी। एलजेपी नेता चिराग पासवान का दावा लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दोबारा विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। आने वाले वक्त में बीजेपी को तय करना है कि किसके साथ गठबंधन में जाना है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने लद्दाख की पार्टियों को न्योता भेजा। 1 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। तेलंगाना कांग्रेस में बड़ा बदलाव। पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन तेलंगाना कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष ने बनाया। सांसद रेवंत रेड्डी अध्यक्ष बने हैं। एमपी के भिंड में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं के स्थायी होने के लिए 26 दिन से यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े। पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 24 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 98.52 रुपए का हुआ। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। फर्जी टीकाकरण शिविर मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग। फर्जी टीकाकरण मामले में बंगाल के स्वास्थ्य सचिव ने सीएम ममता बनर्जी को रिपोर्ट सौंपी। 4 और 2 सदस्यों की समिति ने प्राथमिक रिपोर्ट दी है। अलीपुर कोर्ट ने फर्जी टीकाकरण में शामिल दिबांजन के 3 करीबियों और 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में उन्हें भेजा है। स्वास्थ्य विभाग की अपील पर दिबांजन के केस में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी गई। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर कोरोना वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप। कहा पश्चिम बंगाल में तो वैक्सीन घोटाला हो गया। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के बेगुन कोदर गांव में ग्रामीणों ने किया निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन। बंगला आवास योजना के तहत घर न मिलने से नाराज। कच्चे टूटे घर में परिवार के साथ रहने को मजबूर है। बिहार के गोपालगंज में व्यापारी को धमकाने आए बदमाश को चौकीदार ने कॉलर पकड़कर धर दबोचा। संगम स्टाइल से अपराधी को पकड़ने का चौकीदार का वीडियो वायरल। नासिक के इगतपुरी में रेव पार्टी का भंडाफोड़। पार्टी में 20 से ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक 4 महिला फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। बंगले से ट्राइपॉड कैमरा और नशीली चीजें जब्त की गई। यूपी के प्रयागराज में छिड़खानी के विवाद में 2 पक्षों में हुई झड़प। मामूली हाथापाई के बाद घर पहुंचे बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में हुई मौत। दिल्ली के पालम इलाके की साद कॉलोनी में एक बाइक सवार को ज्ञात लोगों ने पूरी तरह रॉड से पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। बाइक से स्कूटी की मामूली टक्कर के बाद हुआ था विवाद। बिहार में शराबबंदी की पोल खुली। हाजीपुर के एक होटल पर छापा मारकर शराब की बरामदगी हुई। होटल के बाहर एसएचओ की बाइक मिलने से हड़कंप। पटना की मध्य निषेध टीम ने थाने के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में देर रात आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे और पथराव। कई लोग हुए घायल। कामा गांव में पुलिस बल तैनात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सिद्धार्थनगर में सामुदायिक शौचालय पर चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। निर्माण कार्य के लिए
पूर्ण भुगतान के बाद भी शौचालय का हाल खस्ता है। स्थानीय लोगों ने उच्च स्तर पर जांच की मांग की है। बिहार के गोपालगंज में बार डांसर्स को ऑर्केस्ट्रा के नाम पर बुलाकर बंदूक दिखाकर रेप का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल टावर इक्विपमेंट तस्करी के गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया। 60 लाख के मोबाइल टावर इक्विपमेंट्स की बरामद की है। पहले भी दो लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर में राष्ट्रपति के काफिले की वजह से वंदना मिश्रा नाम की महिला की मौत हो गई। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने माफी मांगी। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। बिहार के दरभंगा में घर में घुसे मंचले को महिलाओं ने बांधकर पीटा। आरोपी स्थानीय जेडीयू विधायक शशिभूषण हजारी का भतीजा। वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 4 मर्डर। सुल्तानपुरी में सरेआम बीच सड़क पर अधेड़ उम्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस को लूटपाट के इरादे से मर्डर का शक है। दिल्ली पुलिस ने एक व्यापारी के अपहरण की कोशिश के आरोप में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा करने की योजना बनाई थी। दिल्ली में डार्कनेट पर ड्रग्स तस्करी के गैंग का पर्दाफाश किया गया। एनसीबी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद किया गया। एमपी के कटनी जिला चिकित्सालय में पुलिस के एक जवान ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के एटा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। 1 की हालत नाजुक। अस्पताल में भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में चोरी के एक आरोपी को गांव वालों ने खंभे से बांधकर पीटा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जान बचाई। वीडियो वायरल हुआ। पटना में एक दिन की मूसलाधार बारिश में खुली इंतजामों की पोल। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। विधानसभा भवन, डिप्टी सीएम रेणु देवी और कई वीवीआईपी के घरों में पानी घुसा। पटना में जलजमाव पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की सफाई। कहा बारिश होगी तो जलजमाव होगा, लेकिन 4 से 6 घंटे में जल की निकासी भी होती है। पूर्वी चंपारण में बंजरिया के कई गांव 10 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं किया। इसे 72 घंटे तक पानी जमा होने पर बाढ़ प्रभावित घोषित करने का नियम है। बिहार के पश्चिम चंपारण में गंडक और भपसा नदी ने धरा रौद्र रूप। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुसा। फसलों को भी हुआ नुकसान। मूसलाधार बारिश से बदहाल वैशाली जिला। डीएमएसपी का दफ्तर में पानी में डूबा। सदर अस्पताल तालाब में तब्दील हुआ। भागलपुर के सबौर इलाके में उफनती गंगा का तांडव। कई गांव में कटाव की स्थिति। दहशत में जी रहे हैं लोग। यूपी में उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज। रविदास मोहल्ले में गंगा किनारे बने घरों को खाली कराया जा रहा है। एमपी के धार में खेती के लिए बारिश की आस लगा रहे किसानों का अंधविश्वास। बारिश के लिए इंद्रदेव को खुश करने के लिए निकाली जिंदा आदमी की शव यात्रा। लुधियाना की एक दुकान सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दुकान का नाम है पाकिस्तानी अटायर। 36 साल की पुनीत छावड़ा इसे चलाती। पाकिस्तान में पीएम इमरान के खिलाफ लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन। छोटे कपड़ों को रेप के लिए जिम्मेदार बताने वाले बयान के विरोध में लोग उतर आए। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने इस्तीफा दिया। मैट हैनकॉक का कोरोना नियम तोड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था। रूस में फिर से बढ़ा कोरोना का खतरा। 2021 में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में 21,500 से ज्यादा केस मिले। 619 लोगों की मौत। फिनलैंड में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से यूरो कप चैंपियनशिप 2020 का मैच देखकर लौट रहे फैंस की वजह से केस बढ़े।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।